15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कबीर बेस कैंप स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान, और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। जहां एक घुसपैठिया होता है वहां और भी होते हैं। Hope you told your family goodbye. Give up before we make you. कॉर्पोरल, तुम कहाँ हो? मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं। और घुसपैठिए, ये यहां क्या कर रहे हैं? जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। एक और कह, ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं है। तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है? You think you will last longer than your friends? तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते।
शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब हो। फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। बॉर्डर अब नजदीक ही है, मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे। हाँ,
मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता। जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। Not such an elite commander after all. LAC की गलत तरफ एक कैंप, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एस्ट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया, उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया, रवि ने कहा। रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि, निकलो यहां से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं, पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे, पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। लगता है आज मुझे LAC के उस पार जाना होगा। एक आखिरी कोशिश और फिर हम सब घर जा सकते हैं। Give up before we make you.
वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे चिपकर नहीं रह सकते। बचाना मेरा फर्ज है और उन्हें पकड़ने वालों को मारना मजा। उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है, मैं पता लगा लूंगा। हम साथ लड़ेंगे और हमें साथ मरने का भी कोई डर नहीं है। अगर मैं मरा तो मैं उन्हें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ देकर मरूंगा। मैं अपने आदमियों को ढूंढ कर ही दम लूंगा, चाहे कैंप में उनकी पूरी आर्मी ही क्यों ना हो। डर कर भाग रहे हैं।
उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है, मैं पता लगा लूंगा। हम साथ लड़ेंगे और हमें साथ मरने का भी कोई डर नहीं है। Not such an elite commander after all. No more playing soldier. That's it for him. अगर मैं मरा तो मैं उन्हें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ देकर मरूंगा। मैं अपने आदमियों को ढूंढ कर ही दम लूंगा, चाहे कैंप में उनकी पूरी आर्मी ही क्यों ना हो। Give up before we break you. करीब पहुंच रहा हूं, वो डर कर भाग रहे हैं। Make you.
पहले से कि इस पार आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब बस यही अंत है। भाइयों के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूं। You think you will last longer than your friends? मुझे तो लगा कोई नहीं आएगा। निडर और एकजुट, भूलना मत अहमद। बस एक काम करना बाकी है, इसे इसकी सही जगह पहुंचाना है। रवि, करण, सुनील और जावेद के लिए, वो इसे घर वापस पहुंचाने के लिए शहीद हुए। सर, आज आपने मेरी जान बचाई है। समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे शुक्रिया मत कहो अहमद, फौजी यही तो करते हैं। जहां भी भारतीय ध्वज लहराता है वहां हम अपनों की हिफाजत करते हैं। मुझे गर्व है मैंने आपके साथ इस देश की सेवा की है सर। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है।